अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों मैं हूं हनी और आप इस वक्त जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है हनी टू यू। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हैं किसी भी वर्ड की मीनिंग उर्दू में, इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में, या फिर अगर आपके पास पूरा सेंटेंस है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके मीनिंग देख सकते हैं या उस पैराग्राफ के पूरे आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको गूगल की तरफ से विनिंग अवार्ड भी मिल चुका है। और मज़े की बात इसमें ये है कि आप लोग अगर ऑफलाइन है, ऑफलाइन से मुराद ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है फिर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके दोस्तों को पता चलेगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग ये सारा प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक पर। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है यू डिक्शनरी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है यू डिक्शनरी और गो पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ये इसका लोगो देख सकते हैं यू डिक्शनरी का, यू डिक्शनरी इंग्लिश ऑफलाइन, और ये yourdoubt.com से डाउनलोड करनी है, मतलब नीचे ये आना चाहिए, यही वाली एप्लीकेशन आपने इसका लोगो देख लेना है, इसी लोगो वाले को आप लोगों ने मतलब डाउनलोड करना है। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इस वक्त इसकी 4.4 रेटिंग है, मीन्स इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है और 1 मिलियन लोगों ने मतलब 10 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, डाउनलोड करने इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। जब आप लोगों के पास आएगा इंस्टॉल और इंस्टॉल के बाद आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये ओपन जैसे ही होगी तो इसका जो इंटरफेस है ये इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश टू इंग्लिश या जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी हो, यहाँ पर मैं इंग्लिश टू उर्दू करता हूँ ताकि इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू उर्दू मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। ओके, इंग्लिश टू उर्दू मैं इसको लिखता हूँ, ये हिंदी में कन्वर्ट करेगा और नीचे होगा इसके मलयालम, पंजाबी। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लिक कर, अब आपके पास जो भी वर्ड है आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंपेयर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये आ चुका है, इस वक्त कंपेयर का मीन्स मवाज़न है और इसको आप लोग पढ़ेंगे किस तरीके से कंपेयर, या मतलब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देखें छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है कंपेयर। तो US में अगर देखेंगे कंपेयर, यानी US में आप लोग ने अगर पढ़ेंगे तो कंपेयर करेंगे, और UK अगर लैंग्वेज में देखेंगे तो कंपेयर, यानी आप लोगों ने ये मौजना इसका मीनिंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ और लफ्ज़ टाइप करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करता हूँ, ठीक है। एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी लफ्ज़ आप लोगों ने, एडमिन अगर आप लोगों ने टाइप किया तो यहाँ पे मुंतज़िम आ रहा है। तो इसकी पूरी नीचे इसकी पूरे एब्रिवेशन जितनी भी बनती है कैसे आ लोगों ने पढ़ना है ये पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप लोगों ने कोई और लैंग्वेज अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे देखें जो भी इंग्लिश है आप लोगों के पास ये डाउनलोड का मतलब ऑप्शन आ रही है, तो अगर इंग्लिश टू अरबी आपने करनी है तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोग इंग्लिश टू अरेबिक भी कर सकेंगे। इसलिए आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए हो तो आप लोगों ने ये नीचे साइड वाला ये जो राइट साइड पे डाउनलोड का बटन है आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे हिंदी में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा,
तो ये उसकी डिक्शनरी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर आप लोग इजीली उसके मीनिंग दे सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर इस वीडियो के मुतालिक या फिर किसी भी वीडियो मेरी के मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल करना है तो नीचे आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा और उम्मीद काफ़ी है आप लोगों को बहुत से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग इसमें अगर पूरा पैराग्राफ भी लिखते हैं या सेंटेंस लिखा हुआ है वर्ड फ्रेज और सेंटेंस अगर आप लोगों ने कुछ भी टाइप करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और वो भी इसमें आप लोग अगर आपके पास मतलब इंटरनेट नहीं भी है तो आप लोग फिर भी इसमें टाइप कर सकते हैं और आप लोग मीनिंग देख सकते हैं। हाउ आर यू मैंने टाइप किया, सिंपल सा एक वर्ड है, तुम कैसे हो या कैसी हो, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है तो आप पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आप उसके पूरे मीनिंग देख सकते हैं। तो उम्मीद काफ़ी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप लोग लाइक और शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी पता चले। इसी को आप लोगों ने अगर शेयर करना है तो आप लोग शेयर के बटन पर क्लिक करें और फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे आप लोगों के पास जो भी सोशल मीडिया है तो आप लोग इससे मतलब शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे जो चैनल इसका नाम हनी टू यू है, इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हैं, आप लोग कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप लोग इसको मतलब चेक करें। अगर आप यूट्यूब में अगर टाइप करेंगे हनी टू यू HONEY22 लगा के यू अगर आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोगों को मेरा चैनल नज़र आ जाएगा और आप लोग इसमें जितनी भी वीडियोज़ पड़ी हैं सबको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हैं, उम्मीद काफ़ी आप लोगों को पसंद आएंगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।